बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरशाद बंदियालवी, हकीम इरशाद बंदियालवी। इस चैनल पर कई सारी वीडियोज़ में दे चुका हूँ मर्दाना अमराज के हवाले से और मैदे के, और इसी तरह मर्दाना जरासीम के हवाले से कई वीडियोज़ दे चुका हूँ एतलाम के हवाले से। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने नौजवान जो नया तबका है, इनके हालात और इनके ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए एक नुस्खा तजवीज़ किया है, जो अभी इस वक्त मैं आपके सामने पेश करूंगा। नुस्खा इंतहाई आसान है और सस्ता भी है और पायदार भी है। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे को बनाएंगे तो इस नुस्खे के जो फ़वाद हैं वो आप ख़ुद देख लेंगे कि इस नुस्खे के क्या फ़वाद हैं, और ये नुस्खा किन किन अमराज में और किन लोगों के लिए है वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है। YouTube पर गलत किस्म के पिक्चर और इसी तरह गलत किस्म की वीडियो देखना ये एक आम रिवाज बन चुका है। नौजवान लड़के जब इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं या कोई तस्वीर देखते हैं या फ़ोन पर किसी से बात करते हैं, तो उनको अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर उनको कतरे आ जाते हैं और कतरों की वजह से उनके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसे नौजवान देखने में आए कि हम उन्हें कहते हैं कि चलो यार नमाज का वक्त है, वो कहते हैं मेरे कपड़े नापाक हैं। तो याद रहे कि इन कतरों से, यानी फ़ोन पर कॉल पर बात करते हुए या कोई गलत पिक्चर देखी उसके दौरान जो इंसान को शहवत आती है और उसकी वजह से जो कतरा निकलता है, जिसको मज़ी या वदी कहा जाता है, आमतौर पर इसको कतरे कहते हैं, तो उन कतरों को रोकने के लिए आज का नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है, कामयाब नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह इसके फ़वाइद 100% अच्छे पाएंगे। तो मैं आपको नुस्खा बताता चलूँ, नुस्खा बड़ा आसान है, आप नुस्खे को नोट कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नुस्खे में लेना है, आपने लेना है बीजबन, छोटे छोटे बीज होते हैं, बीजबन लेना है। इसके बाद आपने लेना है लाजवंती भी छोटे छोटे सुर्ख कलर के बीज होते हैं। इसके बाद आपने लेनी है तुखम रेहान जो शरबत वग़ैरह में भी डाला जाता है, आप पंसारी से कहेंगे तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आपने लेना है तुखम रेहान। चौथे नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो है खुश्क धनिया। ये चार चीज़ें हो गई हैं, इन चार चीज़ों को आपने 50-50 ग्राम लेना है। सबसे पहले आपने लेना है लाजवंती, नंबर दो बीजबन, नंबर तीन तुखम रेहान, नंबर चार आपने लेना है सूखा धनिया, खुश्क धनिया जो हम सालन में यूज़ करते हैं। और अगर आप इसमें एक पांचवी चीज़ मिलाना चाहें जो इसके जायके को सिट करेगी, इसके जायके को बराबर करेगी, वो है मिश्री या चीनी शक्कर जिसको कहते हैं, आप इसमें ये भी मिला सकते हैं। अगर आपने 50-50 ग्राम दवाई लेनी है तो आपने इसमें 100 ग्राम मिश्री भी ऐड करनी है। इसमें 100 ग्राम जब हम मिश्री मिलाएँगे, इसको बारीक पाउडर बनाएँगे। मेरे वो दोस्त जिनकी टाइमिंग कम है, वो दोस्त जिनको कतरे आते हैं, वो दोस्त जिनको पेशाब के कतरे खारिज हो जाते हैं, यानी पता नहीं होता है नमाज के लिए खड़े होते या कभी चलते हैं, तो उनके उनके पेशाब के कतरे खारिज हो जाता है होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी पेशाब का कतरा निकल रहा है या वैसे ही कोई कतरा निकल रहा है, आप इस दवाई को 50-50 ग्राम में सबको लेना है, मिश्री 100 ग्राम डालनी है। इसको पाउडर बना करके आपने सुबह शाम चाय वाला 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। सुबह शाम खाने से 1 घंटा आधा घंटा पहले, इन सुबह जब उठें नाश्ते से कबल आपने इसको 1 घंटा 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। जब रात को आप खाना खाए तो उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले इसको इस्तेमाल करें। कम से कम आपने इसको 20 से 25 दिन इस्तेमाल करना है। 20 से 25 दिन आप इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाल्लाह कतरे आना
अल्लाह के फजल करम से बंद हो जाएंगे, टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, जो आपको पेशाब के कतरे महसूस हो रहे कि अभी निकलने वाले हैं वो मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।